याद करें जब आपने किसी छोटे से काम के लिए किसी को बुलाया था और उसकी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई थी। जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको आपको हमेशा खुद से करना चाहिए, बट उसके लिए आपको चाहिए राइट टूल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे टूल्स के बारे में जिनको आपको अपनी घर, फैक्ट्री या ऑफिस में हमेशा रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक ड्रिल मशीन चाहिए होती है, क्योंकि आजकल हर तरह के फ्लैट या फिर घर में हम कहीं पे भी डायरेक्टली जो नेल्स वगैरह है उनको नहीं लगा सकते हैं। अगर आप रावल प्लग या नाइलॉन प्लग्स को अगर आप लगा देते हैं, उसके बाद आप स्क्रूज को लगाते हैं, तो आप इजीली उनको रिमूव कर पाते हैं। इस ड्रिल मशीन के साथ आपको ये हाई स्पीड की जो मेटल की ड्रिल बिट है ये भी चाहिएगी। एक आप मैसनरी ड्रिल बिट ले सकते हैं अगर आपको वॉल वगैरह में कहीं पे होल करना है, और इस तरह की आपको कुछ स्क्रू ड्राइवर बिट्स चाहिएगी जिनकी हेल्प से आप स्क्रूज को टाइट कर सकते हैं या फिर उनको वापस खोल सकते हैं। आपको हमेशा लेफ्ट राइट फंक्शन की लेनी है ताकि आप जो स्क्रू ड्राइवर का काम करते हैं वो भी आपका इस मशीन से हो जाएगा। आप इस तरह की त्रिशूल बिट्स भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी वुडन में ड्रिल करना बहुत ईजी होता है। अगर आपको और ज्यादा हैवी काम की जरूरत होती है, आपको कंक्रीट में होल करना है, तो आपको इस तरह की हैमर ड्रिल मशीन भी लेनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी तरह की ड्रिल मशीन से सारे काम हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ही ज्यादा हैवी काम करना है तो आप इस मशीन के ऊपर जाइए। इस मशीन के साथ साथ आपको इस तरह की ड्रिल बिट्स भी लेनी होगी जो सिर्फ इसी मशीन में लगती है। अगर आपको नॉर्मल ड्रिल मशीन और हैमर ड्रिल मशीन के बीच में कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये ड्रिल मशीन लेनी चाहिए या ये, तो आप इस वीडियो को देख के कंपेयर कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसको आप जरूर देखें, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। घर में अगर कोई भी छोटा सा काम है तो हमें इस तरह के स्क्रूज का या फिर इन नायलॉन प्लग्स का, बोल्ट्स का या फिर नेल्स का, इन सभी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए आपको इन सब चीजों को परचेज करके रखना चाहिए ताकि जब भी इन चीजों की आपको नीड हो आपको तुरंत भागना ना पड़े और इनको महंगे दामों में परचेज ना करना पड़े। इस तरह के प्लायर्स हमारे पास जरूर होने चाहिए, लाइक ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये नोज प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर है अगर कोई वायर आपने कट करनी हो, ये स्लिप जॉइंट प्लायर है, इससे आप बहुत काम कर सकते हैं, और ये वाटर पंप प्लायर प्लंबिंग वगैरह में इसकी जो चौड़ाई है देखो आप इतनी खुल जाती है। तो इस तरह के टूल्स को आपको रखना चाहिए। जरूरत नहीं है कि आप इन सब को परचेज करें, बट आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट हो उस चीज को परचेज करके रखना चाहिए। मेनली ये कॉम्बिनेशन प्लायर और ये वाटर पंप प्लायर ये हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इससे आप कटिंग के काम भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं, किसी चीज को आपको पकड़ना है या फिर किसी बोल्ट को टाइट करना है तो भी आप इससे कर सकते हैं। ड्राइवर्स को कौन नहीं जानता। आपको हमेशा अपने घर में इस तरह के टेस्टर को हमेशा रखना चाहिए, और इस 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फेमस स्क्रू ड्राइवर है तपाड़िया कंपनी की ओर से। आप इस तरह की किट को भी रख सकते हैं जिसमें आपका टेस्टर का काम भी हो जाता है और बहुत तरह की इसमें अटैचमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और ये इजीली बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लायर से या फिर वाटर पंप प्लायर से सारे नट बोल्ट नहीं ओपन कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरह के डी स्पैनर्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर इस तरह के रिंग स्पैनर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको डी स्पैनर्स और रिंग स्पैनर्स को भी लेना चाहिए, बट मैक्सिमम आप 20x22 mm के जो स्पैनर्स होते हैं वहां तक आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप इस तरह के कॉम्बिनेशन स्पैनर्स का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको डी और रिंग एक ही साइज में दोनों मिलते हैं, और उससे आप दोनों का काम इजीली कर सकते हैं। अगर हम स्पैनर्स और रेंचेस की बात करते हैं तो हम इस तरह के एडजस्टेबल रेंच को भी ले सकते हैं। आप 6 इंची या 8 इंची एडजस्टेबल रेंच और 12 इंची एडजस्टेबल रेंच को ले सकते हैं, उससे आपके 30 mm तक के सारे जो स्पैनर्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। ये इजी टू स्टोर भी है और आपको एक ही चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कम पैसों में ये आ जाता है। इसी तरह हमें पाइप रेंच को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि प्लम्बिंग के जितने भी काम होते हैं उसमें पाइप रेंच जरूर यूज होता है, तो आपको एक 14 इंच का पाइप रेंच अपने घर पे अवश्य रखना चाहिए।
आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में हम बात करेंगे इन टूल्स को रखने के लिए, इन टूल बॉक्सेस के बारे में। आपको जब भी कोई पिक्चर हैंग करनी हो या फिर आपको कोई भी डिमोलिशन का वर्क हो तो आपको हैमर की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस तरह से बॉल पेन या फिर क्रॉस पेन हैमर ले सकते हैं। जो आइडियली हैमर होता है वो लगभग आपको घर के लिए या ऑफिस वर्क के लिए 200 से 300 ग्राम का हैमर लेना चाहिए। उससे बड़े हैमर्स भी आते हैं 500 ग्राम 800 ग्राम, वो भी आप चूज कर सकते हैं। आप इस तरह का हैमर भी चूज कर सकते हैं जिससे नेल्स भी इजीली रिमूव हो सकते हैं, इसको क्लो हैमर बोलते हैं। और अगर आपको बड़े हैमर चाहिए तो आप ये स्लैज हैमर ले सकते हैं, ये 1 kg का है और ये घर या ऑफिस के काम के लिए मोर देन एनफ है। एलन कीज जो आपको हमेशा अपने घर या फिर ऑफिस में रखनी चाहिए क्योंकि आजकल एलन बोर्ड्स या फिर काउंटर साइन बोर्ड्स जो कि मशीनों में लगे हुए होते हैं, तो कभी भी आपको कोई छोटा मोटा रिपेयर भी करना है घर में तो आपको एलन की जरूर चाहिएगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इस तरह की एलन की नहीं लें क्योंकि इनमें क्या है, जो फोर्स लगने की कैपेसिटी होती है वो काफी कम लग पाता है। और उसकी बजाय आप ऐसे अलग अलग एलन कीज ले सकते हैं जिनको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। एलन कीज दो तरह की आती है, एमएम साइज और इंचेस साइज में। बट अगर मैं घर में यूज की बात करूं तो एमएम साइज एनफ होता है, इंचेस साइज बहुत ही रेयरली यूज होती है। तो आपको जो लेना चाहिए वो है एमएम साइज का एक एलन की सेट, 1.5 mm से लेके 10 mm तक। इस तरह का मेजरिंग टेप जो कि आपको 5 मीटर या फिर 7.5 मीटर का लेना चाहिए, घर के लिए आपको हमेशा लॉक वाला लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जब भी इसको ओपन करेंगे ये लॉक रहेगा ताकि आपका जो मेजरमेंट है वो इजी होगा। आप इस तरह का फाइबर ग्लास या फिर कपड़े का भी मेजरिंग टेप ले सकते हैं। मेजरिंग टेप रखना अपने आप में एक बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, जब भी आपको कोई चीज मेजर करनी हो कोई और टेक्निक नहीं लगानी पड़ती, आप इजीली उस चीज को मेजर कर सकते हैं। और आप अगर किसी और से भी काम करवा रहे हैं तो उससे भी आप साइज को कंपेयर कर सकते हैं और अपना एक परफेक्ट काम करवा सकते हैं। मेजरिंग टेप में हमेशा ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कंपनी ने बनाया होता है क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है ये भी जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए ये मूवमेंट होता है। आप इसको ऐसे समझें कि ये गलत है या मेजरिंग टेप खराब है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है इसमें। अगर आप मेजरिंग टेप्स के बारे में और टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस वीडियो या फिर यहाँ पे लिंक में दी गई वीडियो को आप देख सकते हैं और मेजरिंग टेप्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एज ए होम ओनर आपको रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की फ्लैट फाइल की, क्योंकि कहीं पे भी आपको अगर किसी जगह को कम करना है तो आप उसको फाइल से स्मूथ कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। फ्लैट फाइल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, बट अगर आपको और फाइल्स की नीड है तो आप एक राउंड फाइल में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह की ट्राइंगुलर फाइल भी ले सकते हैं। एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फाइल्स को परचेज करें तो उसके साथ हैंडल्स को परचेज करें या फिर आप जो फाइल परचेज करें वो हैंडल लगी हुई फाइल्स को परचेज करें। तरीके का एक हेक्सा फ्रेम जरूर होना चाहिए आपके पास। आप ये बड़ा हेक्सा फ्रेम ले सकते हैं या फिर आप इस छोटे हेक्सा फ्रेम से, इन छोटे हेक्सा फ्रेम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेक्सा फ्रेम काम आता है कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको कट करना हो या कोई बोल्ट अगर फंस गया है कहीं पे तो उसको कट करना हो, तो उन कामों के लिए हेक्सा फ्रेम आपको बहुत जरूरी होगा, तो इसलिए आपको हेक्सा फ्रेम परचेज करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास इस तरह के नाइफ्स भी होने चाहिए ताकि किसी भी चीज को अगर आपको कट करना है तो आप इन नाइफ से कट कर सकते हैं। इसको यूटिलिटी नाइफ बोलते हैं, तो आप इस तरह के नाइफ भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टूल बॉक्सेस के बारे में जिनमें आप अपने टूल्स को बहुत ही सेफली और इजीली रख सकते हैं। आप ये मेटल का टूल बॉक्स देख रहे हैं, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको मेटल का टूल बॉक्स नहीं चाहिए तो आप इस प्लास्टिक वर्जन को भी परचेज कर सकते हैं। मैं इन टूल बॉक्सेस के और टूल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी चीज को परचेज करना है तो आप उन लिंक से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर इसे शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको जो भी हमारी वीडियोज आती है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगर आप इस तरह की जनरल पर्पज टूल किट अपने घर ऑफिस या फिर फैक्ट्री में रखते हैं
तो इन टूल्स के साथ ये टूल बॉक्स की जो कीमत है वो लगभग 5 से 6 हजार रुपए में आपको मिल जाते हैं। टूल्स को परचेज करते वक्त आप अपने लिए ये ग्लव्स और ये आईवीआर जो है गूगल वो आप जरूर परचेज करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन टूल्स को यूज कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह की टूल से रिलेटेड न्यू और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।